देखिए, ये बड़े भाई छोटे भाई और चाचा भतीजा की जो कार्यशैली है, ये वोट के गोलबंदी वाली कार्यशैली है। एक जगह फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे ताकि वहाँ वोट गोलबंद हो, और फिर दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करेंगे ताकि वो वोट भी गोलबंद हो। आपने हिंदुओं का अपमान करके अपने मुंह पर काली पोता है, क्योंकि हिंदुओं ने पहचान लिया कि आप हिंदू विरोधी हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें जो है अपने भाइयों को राखी बांधने जाएगी, तो शिक्षिकाएं होंगी और शिक्षक होंगे वो भी नहीं पाएंगे और छात्र छात्रा भी नहीं आएंगे। तो ये इम्प्रैक्टिकल है, ये जो अव्यवहारिक जो आपने कार्य किया है, इसे किसी को लाभ थोड़ा ही मिलना है। MLC सच्चिदानंद राय है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सच्चिदा जी, इन दिनों सरकारी छुट्टियों में कटौती की गई है, जो शिक्षक है, नया कैलेंडर जारी किया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़े भाई छोटे भाई और चाचा भतीजा की जो कार्यशैली है, ये वोट के गोलबंदी वाली कार्यशैली है। एक जगह फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे ताकि वहाँ वोट गोलबंद हो, और फिर दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करेंगे ताकि वो वोट भी गोलबंद हो। तो ये जो हिंदुओं के पर्व त्योहारों का, जैसे रामनवमी हो गया, जैसे रक्षाबंधन हो गया, इस तरह के जो छुट्टियां जो काटी गई, ये सिर्फ ये सोचकर कि अगर हिंदुओं का सनातनियों का अपमान करेंगे तो मुस्लिम वोट गोलबंद होगा। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई इस पर नहीं देख रहे हैं कि हिंदुओं का आप कितना अपमान कर रहे हैं, जितना अपमान करेंगे उतना आपके साथ आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि वो तो पहले से ही गोलबंद हैं, क्योंकि उनको भाजपा के खिलाफ वोट करना है तो आप ही हैं, आपको तो वोट ऐसे ही मिलता है। इन लोगों को सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन उस वर्ग के वोट के लिए, एक वर्ग को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने ही मुंह पर कालिख लगाया ऐसा करके। तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है इस कदर, जिस तरीके से? नहीं, इसको तुष्टिकरण भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कि सरासर बेवकूफ़ी है। जिसका वोट पहले से मिल रहा था, उस वोट को और सॉलिड करने की कोई जरूरत ही क्या थी? आपने हिंदुओं का अपमान करके अपने मुंह पर कालिख पोता है, क्योंकि हिंदुओं ने पहचान लिया कि आप हिंदू विरोधी हैं। लेकिन देखा जाए तो जो मुस्लिमों का पर्व है, उनको देखते हुए तीन तीन दिन छुट्टियों की बढ़ोतरी और ज़्यादा की गई है। देखिए, जितनी छुट्टी आवश्यक हो उतना तो करना ही चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। और अच्छा, जब बताइए, आपने कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी ख़त्म कर दिया, जो कि गुरु नानक जयंती के नाम पर होता था, तो हिंदू जो हैं वो तो गंगा स्नान करने जाएंगे ही, तो उस दिन क्या होगा? शिक्षकों की संख्या भी कम रहेगी और छात्रों की संख्या भी कम रहेगी, तो छुट्टी दे देना अच्छा नहीं होता। रक्षाबंधन के दिन बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधने जाएगी, तो शिक्षिकाएँ होंगी और शिक्षक होंगे वो भी नहीं पाएंगे और छात्र छात्रा भी नहीं आएंगे। तो ये इम्प्रैक्टिकल है, ये जो अव्यवहारिक जो आपने कार्य किया है, इसे किसी को लाभ थोड़ा ही मिलना है। हो सकता है कि बाद में आप स्वयं लौट कर फिर से छुट्टियों की घोषणा कर दें, लेकिन आज के तारीख में आपने अपमानित करने का काम किया है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, इन दिनों शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं आज पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर, ऐसे में सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही, ना अधिकारी कुछ बोल रहे। देखिए, उन्होंने जो पहली लिस्ट जारी की है उसी में काफ़ी गड़बड़झाला है, तो पहले उस गड़बड़झाला को ठीक करेंगे, तब जाके दूसरे लिस्ट की बात भी करेंगे। और जहाँ तक सवाल है बिहार के युवाओं का, तो उनको तो सड़क पर ही रहना लिखा है, उनके तकदीर में लिखा हुआ है कि सड़क पर रहेंगे। पिछले 35-40 वर्षों से उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, अब उनको रोजगार का भी अवसर नहीं मिल रहा है। जो रोजगार करना चाहते भी हैं बिहार में, उनके लिए बिहार में रोजगार है ही नहीं, न सरकारी न गैर सरकारी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सच्चिदानंद राय थे, ऐसे में जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधते थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बेरोजगारी बिहार में पूरे तरीके से, ऐसे में उनके लिए, युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं है। वहीं जिस तरीके से सरकारी छुट्टियों में कटौती की गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे थे, तो वहीं नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ कहते सच्चिदानंद राय? आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।